अब स्टार्ट करते हैं क्यूबी का 6.4 क्वेश्चन का नाम है बर्नी। ईयर वन की बात करते हैं। ईयर वन में क्या बोला इसने मुझे, द डाउटफुल डेट अलाउंस इज ऑफ रुपीज 860,000 स्टैंडिंग ऑन द बुक्स। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है डाउटफुल डेट का, 8,60,000 रुपये। एट 31 दिसंबर ट्रेड रिसेबल अमाउंट रुपीज 15,000 रुपये, मीन 15 मिलियन। ठीक है, बैड डेट रिटन ऑफ, बैड डेट रिटन ऑफ क्या है, बुक में से राइट ऑफ हो चुकी है या होगी, ये हो चुकी है पक्की बात है। टू बी रिटर्न ऑफ मतलब बाकी है, देखो तो ना, और रिटर्न ऑफ मतलब क्या है, हो चुकी है। कितने अमाउंट से हो चुकी है, 1,000 से। एंड एन अलाउंस फॉर 7.5% ऑफ ट्रेड रिसीबल इज रिक्वायर्ड। और लास्ट इस साल कितना प्रोविजन बनाना है, 7.5% का, किस पे, ट्रेड रिसीबल पे। रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड है इसके अंदर शो द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव एंड द रेलिवेंट बैड डेट एंड द डाउटफुल डेट लेजर अकाउंट। आसान चीज़ें बोली हैं इसने मुझे, तो पहले क्या करना है मुझे, लेजर अकाउंट बनाना है यहाँ पे। ये किसका बन रहा है, बैड डेट का। ये किसका बन रहा है हमारे पास, ये बनेगा बैड डेट का, और ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। प्रोविजन कितने से बना हुआ है मेरे पास, 1,000 से। तो क्या एंट्री पास हो रही होगी, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट क्या हो रहा है मेरे पास, डेबिट हो रहा होगा। कितने से, 1,000 से। मैं 300 कमन लेना है यहाँ पे, ठीक है, 1,000 से। और बैडेड अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा 1,000 से, ठीक है। तो मैंने बैडेड के अकाउंट में लिखा 1,000 रुपये, यहाँ पे 300 कमन है, एक हज़ार से। कहाँ से बैलेंस आया, ये डेटर के अकाउंट से, क्लियर यहाँ तक बात मेरी। फिर क्या बोला इसने, ओपनिंग बैलेंस कितना बताया था इसने मुझे प्रोविजन का, 8,60,000 रुपये। सी डी फाइन करना है अभी, अगर लेट से 15 मिलियन में से अगर ये 1,000 माइनस हो चुके हैं तो टोटल अमाउंट ये आ रहा होगा क्लोजिंग मेरे पास। डायरेक्ट क्या करूँ, 15,000 पे, 15,000 मल्टीप्लाई पे कितना परसेंट, 7.5%, कितना आ रहा है, 1,125। तो प्रोविजन मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज इन प्रोविजन मीन बजट लिख दो भले यहाँ पे, कितना आ रहा है, 265 से। तो एंट्री क्या पास हुई मेरे पास, सेकंड एंट्री, पहली एंट्री है, सेकंड एंट्री है कि बैडेड अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 265 से, 265 से ले गया। तो 265 से हम यहाँ आ गए, कहाँ से आया बैलेंस, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट से। और पूरा बैलेंस भेजा मैंने कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कितना, 1,265,000 से। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी, क्लियर बन, सही करा आपने, ठीक है। अगर लेट से मुझे बोल दे कि सवाल के अंदर SIFP बनाओ, तो SIFP के लिए क्या करेंगे, ये अमाउंट 15,000 रुपये माइनस कर देंगे, कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट, CD बैलेंस प्रोविजन का, सही है, क्लियर है बनने तक। और अगर SOCI बोले तो SOCI में ये बैलेंस जा रहा होगा। उसके बाद फिर लिखा मेरे पास, अब ये लेट से इस साल के लिए क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कितना, 1,125, 1,125। क्लोजिंग मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। फिर इसने मुझे बोला यहाँ पे कि ट्रेड 31 दिसंबर ट्रेड रिसेबल बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है, 13,700 रुपये बिफोर एडजस्टमेंट। किस चीज़ की एडजस्टमेंट बोली इसने, सेकंड पॉइंट लिखा है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, मींस ये राइट ऑफ हो चुका है या करना है, करना है, मींस ये अमाउंट 13,700 रुपये जो माइनस होने से पहले का अमाउंट है या बाद का अमाउंट है, पहले का अमाउंट है, मींस ये माइनस नहीं हुआ तो मुझे माइनस करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा 13,000, आपने लिखा 13,700 माइनस कितना किया आपने से, 1,100, और परसेंटेज लगा दी कितना परसेंट, 7.5% माइनस 1,100 कितना आया, 12,000 जो भी आया, 26,600 माइनस ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी, थर्ड एंट्री पास हो रही होगी मेरे पास, ये ईयर टू लिख दो यहाँ पे, कि बैडेड अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है,
और डेट अकाउंट क्या कर रहा हूँ मैं, क्रेडिट कर रहा हूँ कितने अमाउंट से, 1100 से। ये एंट्री सही बनी है। फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है मेरे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और बैड डेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 180 से, 180 से। तो यहाँ मैं लेके गया डेटर के अकाउंट से कितना बैलेंस, 180 सॉरी 1100। और प्रोविजन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और बैडेट का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 180 से। अच्छा इस साल क्या आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है या मतलब इनकम आ रही है, जैसे लास्ट ईयर जो आया था। मेरा एक्सपेंस बन रहा है, बैडेट है मेरे पास 1100 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो रहा है 180 से। तो प्रोविजन मेरे पास इनकम में आएगा या लॉस में आएगा, इनकम में या लॉस में आ रहा है, खुद देखो एक दफ़ा। 1100 में से अगर मैं 180 माइनस करूँ तो ये साइड पर बैलेंस आएगा, इस साइड पर आएगा, उस साइड पर। मीन्स मेरा प्रोविजन का मतलब मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, मीन्स 1100 से कम हो रहा है लेकिन 180 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना आएगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नौ सौ बीस ये जाएगा अमाउंट कहाँ पे, एसओ एफ पी के अंदर, एसओ सी आई के अंदर। और एसओ एफ पी में क्या कौन सा अमाउंट जा रहा होगा, आप पहले क्या कर रहे होगे, 13700 में से, यहाँ देखो अगर एसओ एफ पी की बात करूँ तो 13700 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे 1100, जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से आप माइनस करोगे कौन सा अमाउंट, 945। ये अमाउंट जाएगा कहाँ पे, एसओ एफ पी के अंदर। बात क्लियर यहाँ तक,